नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे पितृदोष क्या है और पितृदोष होने के क्या लक्षण होते हैं और पितृदोष हमारे जीवन में कहाँ कहाँ कठिनाइयाँ पहुँचाता है। तो चलिए बात करते हैं। वैदिक ज्योतिष में पितृदोष निवारण के उपाय बताए गए हैं। हिंदू धर्म में पितृदोष का बड़ा दोष माना जाता है, इसलिए पितृदोष को शांति के उपाय भी करना जरूरी है। ज्योतिष के अनुसार यदि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष है, अनेक प्रकार के कष्टों से उन्हें गुजरना पड़ता है। जैसे पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को अपने जीवन में अस्थिरता, संतान कष्ट, नौकरी व्यापार में परेशानी, आर्थिक संकट, ग्रह कलेश, शारीरिक और मानसिक कष्ट आदि का सामना करना पड़ता है, इसलिए उनकी कुंडली से पितृदोष निवारण भी आवश्यक होता है। पितृदोष मुक्ति के उपाय जानने से पहले आइए हम जानते हैं कि पितृदोष है क्या और ये किन कारणों से कुंडली में पितृदोष बनता है। तो पहले जानते हैं पितृदोष है क्या। पूर्वजों की अतृप्ति के कारण उनके वंशजों को होने वाले कष्ट को पितृदोष कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद हमारे पूर्वजों की आत्मा अपने परिवार को देखती है और महसूस करती है कि उनके परिवार के लोग उनके प्रति अनादर का भाव रखते हैं वह या उनकी उपेक्षा करते हैं। इस बात से भी दुखी होकर दिवंगत आत्माएँ अपने वंशजों को थोड़ा परेशान करती हैं, जिसे पितृदोष कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या कारण होते हैं। यदि जातक के लग्न एवं पंचम भाव में सूर्य, मंगल एवं शनि हो और अष्टम भाव में बृहस्पति और राहु स्थित हो तो पितृदोष बनता है। इसके अलावा अष्टमेश या द्वादश का संबंध सूर्य या बृहस्पति से हो तो व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित होता है। वहीं सूर्य, चंद्र एवं लग्नेश का राहु से संबंध होना भी कुंडली में पितृदोष का निर्माण करता है। यदि कुंडली में राहु एवं केतु का संबंध पंचम भाव या भावेश से हो तो पितृदोष बनता है। हालांकि पितृदोष के उपाय करने से पूर्वजों का आशीर्वाद भी हमें मिलता है और अशुभ फल समाप्त हो जाता है। तो पितृदोष के निवारण के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं जो इन दोषों को कम करने में सहायक होता है। शनिवार को सूर्य उदय से पूर्व कच्चा दूध व काले तिल पीपल के वृक्ष पर चढ़ाएं। सोमवार को आग के 21 पुष्पों से भगवान शिव जी की पूजा करें। अपने पूर्वजों से चांदी लेकर नदी में प्रवाहित करें। अपने से बड़ों का आदर करें। माता जी को हमेशा सम्मान करें। पूर्वा फागुनी नक्षत्र में इमली का बांदा लेकर घर में रखें। अपने इष्ट देव की नियमित रूप से पूजा और पाठ करें। ब्रह्मा गायत्री का जप अनुष्ठान कराएं। उत्तरा फागुनी, उत्तरा भाद्रपद और उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र में ताड़ के वृक्ष की जड़ को घर में लेकर आएं और किसी पवित्र स्थान पर उसे स्थापित करें। अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए कुछ भोग जरूर बनाएं और लगाएं। हो सके थोड़ा दान दक्षिणा भी दीजिए। पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन भी आप इस दिन करा सकते हैं। श्राद्ध वृक्ष में भी प्रतिदिन पितरों को जल और काले तिल अर्पण करें। मंगल यंत्र को स्थापित करें और उसकी पूजा करें। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उठकर सूर्य देव का नमन करें। शुक्ल पक्ष का प्रथम रविवार के दिन सूर्य यंत्र को स्थापित करें। सूर्य देव की नित्य तांबे के पात्र से जल से उन्हें अर्घ दें। पांचमुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। पशु पक्षियों को रोटी खिलाएं। घर में दक्षिण दिशा की दीवार पे अपने पूर्वजों को माला सहित आप चित्र भी लगा सकते हैं। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ये छोटे छोटे उपाय आपके पितृदोष के निवारण में काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।